स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके बजरी तोते ब्रीडिंग सीजन में भी अच्छी ब्रीड नहीं कर रही है या ब्रीड पर नहीं आ रही है, तो आज हम आपको ऐसे नेचुरल ब्रीडिंग फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, अगर आप इनका यूज़ अपने बर्ड को कराते हैं तो बहुत जल्दी से जो है बजरी तोते ब्रीड शुरू कर देंगे। और अगर आपके बर्ड जो है ब्रीड नहीं कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसका इस्तेमाल अगर आप अपने बजरी तोतों को कराते हैं या आप अपने बर्ड को कराते हैं, तो आपके बर्ड जो है ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड करेंगे और हर मटके के अंदर अंडे बच्चे आ जाएंगे और चिक्स जो निकलेंगे अंडों से भी काफ़ी क्वांटिटी में निकलेंगे और उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और उनका साइज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता यह है कि ब्रीडिंग सीजन जैसे बजरी तोतों का चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बजरी तोते अच्छी ब्रीड नहीं कर रही है या अंडों से बच्चे जो निकलते हैं एक या दो ही निकलते हैं, तो ऐसे में जो है हमें अपने बर्ड की केयर करनी होती है, यानी कि अपने बर्ड को क्या खिलाएं, हम किस तरह से अपने बर्ड की केयर करें जो हमारे बर्ड है जो अच्छी क्वांटिटी में ब्रीड करे और हमारे बर्ड की हेल्थ भी सही रहे। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड जो है ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड करे, तो आप अपने बर्ड को हफ्ते में एक बार स्प्राउट ज़रूर खिलाया करें। देखें, मैं आज अपने बजरी तोतों को स्प्राउट खिला रहा हूं और कितने अच्छे से मेरे बजरी तोते स्प्राउट को खा भी रही है। मैंने इसके अंदर जो ऐड किया है, काले चने जो होते हैं उसको ऐड किया है और गेहूँ को ऐड किया है और मूँग की दाल को ऐड किया है। तो आप इस तरह से तीन चार चीज़ें लेकर उसको रात में पानी में भिगो देनी है। और जैसे अब समर सीज़न नहीं है, विंटर सीज़न चल रहा है, तो ऐसे मौसम में हमें जो है इन्हें बाउल करके देनी है, उबाल लेनी है सुबह के टाइम, और इसके बाद जो है अपने बजरी तोतों को अपने बर्ड को इसे खाने के लिए देना है। और इसको मैं अपने कॉकटेल बर्ड को भी इस्तेमाल कराता हूँ स्प्राउट का, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिला है। पिछली वीडियो मैंने चैनल पर डाली थी कॉकटेल की ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली, तो उसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है कॉकटेल बर्ड ने मेरी ब्रीड शुरू कर रखी है वहाँ पर, और अच्छा रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड जो है आपके बजरी तोते काफ़ी अच्छी ब्रीड करें, तो आप स्प्राउट ज़रूर खिलाएं हफ्ते में एक बार। और देखिए, आप इसके अंदर काफ़ी कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, और यही सब अच्छी ब्रीड करने के लिए हमारे बर्ड को चाहिए। जब इसका इस्तेमाल हम अपने बर्ड के को कराते हैं, तो हमारे बर्ड जो है काफ़ी हेल्दी रहते हैं, अपने चिक्स को भी अच्छे से रखते हैं, और साथ ही इनको जो है कैल्शियम विटामिन की भी पूर्ति होती रहती है। दोस्तों, आप अपने बर्ड को जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्राउट खिलाया करें बनाकर, काफ़ी अच्छा ये होता है हमारे बर्ड के लिए। उसके बाद दोस्तों, आपको एक और सॉफ्ट फूड के बारे में बताता हूँ जो अपने बर्ड को मैं यूज़ कराता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। देखें, आप स्क्रीन पर आप देख भी रही है, जिस ये भुट्टा है जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, इसको जब मैं अपने बजरी तोतों को खिलाता हूँ तो काफ़ी शौक से मेरे बजरी तोते खाते हैं, और उसके बाद जब ये अपने चिक्स को इसका फीड कराते हैं तो चिक्स भी इसको अच्छे से हजम कर लेते हैं और उनका साइज़ काफ़ी अच्छा निकलता है। ये जो है हमारे बर्ड की साइज़ बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा रहे, उनका साइज़ जो है बड़ा रहे, तो आप अपने बर्ड को कॉर्न, जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, वो ज़रूर खिलाया करें। दोस्तों, तो देखें आप कितने शौक से बजरी तोते भुट्टे को खाते हैं। अगर दोस्तों आपको भुट्टा नहीं मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हमें किस तरह से ये खिलाना है, तो हमें जो है ये सूखे बीज इसके लेकर आ जाने हैं, जिसे हम मक्की का दाना भी बोलते हैं। तो उसके बीज जैसे हम लेकर आ जाए, तो उसको हमें पानी में उबाल लेना है, और उसके बाद जब अपने बजरी तोतों को खिलाएंगे तो सेम ही प्रोसेस है। दोस्तों, उसको खाकर भी हमारे बजरी तोते काफ़ी अच्छे से रहते हैं और अच्छा साइज इनका रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप ज़रूर खिलाया करें, आप देखेंगे कि आपके बजरी तोते या आपके बर्ड भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपके पास ब्रीड करेंगे। तो एक और सूप फूड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अगले नंबर पर आता है दोस्तों पालक। पालक के पत्ते को बजरी तोते काफ़ी शौक से खाते हैं और इनका ये फेवरेट फूड भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पालक पत्ता खिलाएं अपने बजरी तोतों को। देखें आप, मैं अपने बजरी तोतों को पालक का पत्ता खिला रहा हूँ, कितने शौक से मेरे बजरी तोते पालक पत्ता खा रहे हैं। अगर आपके बजरी तोते ब्रीड पर नहीं आ रहे हैं, तो आपके बजरी तोतों को आप पालक ज़रूर खिलाएं हफ्ते में दो बार। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके बजरी तोते ब्रीड पर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर तो है गर्म, इसकी तासीर होती है, और काफ़ी अच्छा ये रहता है। जब हमारे बजरी तोते ब्रीड पर नहीं होते हैं, तो हम पालक पत्ता खिलाते हैं।
इसको खाकर हमारे बजरी तोते जल्दी से ब्रीड पर आ जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड शुरू कर देते हैं। पालक आप अपने बर्ड को ज़रूर खिलाएं हफ्ते में 2 बार। अगर आपके बजरी तोते के जो फेदर है काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, उनमें शाइनिंग नहीं आ रही है, तो तब भी आप अपने बर्ड को पालक खिलाएं। आप देखेंगे कि आपके बर्ड के जो पर है काफ़ी चमकदार हो जाएगी और काफ़ी शाइनिंग इनके अंदर आ जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट फूड है दोस्तों। अगर आपके बजरी तोते ब्रीड नहीं कर रही है या ब्रीड कर रही है तो काफ़ी अच्छी ब्रीड नहीं कर रही है, मटकी के अंदर 1-2 एग ही आ रही है या 1-2 चिक्स ही निकल रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में अगर आपके यहाँ पर आ रही है तो आप ये 3 सॉफ्ट फूड है मैंने बताई है और मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। तो एक बार अपने बजरी तोतों को आप ये करा कर देखें, आप अपने बजरी तोतों को ये 3 सॉफ्ट फूड खिला कर देखें। आप देखेंगे कि आपके बजरी तोतों ने ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड शुरू कर दी है और साइज हमारे बर्ड का काफ़ी अच्छा हो गया है और हमारे बर्ड की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप 3 सॉफ्ट फूड मैंने बताई है, तीनों आप एक बार अपने बर्ड को इस्तेमाल करा कर देखें, आपके बर्ड भी ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड करेगी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आल के बटन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।